हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेनिस क्लासेस। मैं मनु गोयल एक बार फिर आपके साथ आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, इसके भी जहाँ तक है दोस्तों, दो पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ टाइप कराऊंगा इसके, और दूसरे पार्ट में कुछ टाइप भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा। दोस्तों, ये पार्ट वन रहेगा, और सबसे पहले हम समझते हैं इसके थोड़े से बेसिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों। सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली ये है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट में हो, चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट में हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हो, कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपको एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया जाता है कि उनका अरेंजमेंट किस किस तरह से किया गया है, और आपको उस लैंग्वेज को फॉलो करते हुए उनका अरेंजमेंट करना होता है। और इस पर जनरली 5 क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग में, और 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं SSC में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में। 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल पूछा भी जाता है, लगभग हर एग्जाम में आता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम टाइप वन देखते हैं दोस्तों। देखिए, इस वाले पार्ट में मैं आपको 2 टाइप कराऊंगा, एक सर्कुलर, एक लीनियर और एक सर्कुलर। रेक्टेंगल वाला पार्ट हम अगले सेक्शन में देखेंगे, रेक्टेंगल वाला टाइप, और उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि सारे बेस्ड होंगे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर लीनियर अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक आपको रो दे दी जाती है। ठीक है, इसे भी 3 तरह से कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ किस किस तरह से होता है। पहला तरीका जो होता है इसमें कि सारे के सारे लोग जो ना नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, एक स्टेटमेंट इसके लिए यूज होता है कि पीपल फेसिंग नॉर्थ, ये स्टेटमेंट इसके लिए यूज होता है। तो यानी कि अगर हम वैसे डायरेक्शन के बेस पर ना जा सके, अगर हम अपने पेपर पर देखेंगे या जहां हम सॉल्व कर रहे हैं इसको देखेंगे, तो ऊपर आप नॉर्थ मानेंगे, नीचे साउथ मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कहता है आपसे कि ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, यानी कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं रो के अंदर, उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बैठूंगा तो बैठते समय मेरा फेस किसी की तरफ होगा और मेरी पीठ किसी और की तरफ होगी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो इस लाइन के कहने का मतलब हुआ कि इस पार्ट पे सारे के सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट जो होता है इसका, उसमें वो आपसे कह देता है कि ऑल पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, यानी कि सारे के सारे लोग आपके साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक टाइप ये होता है। अब इन दोनों के अलावा, इन दोनों का कंबाइंड टाइप एक बनता है लीनियर में, कि सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम पीपल आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो आपको 2 रो दे देता है वो यहां पे, और आपसे कहता है कि कुछ लोग तो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। जनरली यानी कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऐसा होता है कि जितने लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए होते हैं, उतने ही लोग साउथ की तरफ फेस करके बैठे होते हैं। और क्वेश्चन आपसे कहता है कि दोनों ने एक दूसरे को फेस किया हुआ, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ चेहरा करके। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जैसे भी आएगा टाइप देखेंगे उसको। ये लीनियर के टाइप है। लीनियर 3 तरह से किया जाता है, एक यानी कि सारे के सारे नॉर्थ की तरफ बैठे हुए, सेकंड में सारे साउथ की तरफ बैठे हैं, थर्ड में कुछ साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, कुछ नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपसे कहता है, लीनियर हमारा हो गया, सर्कुलर पे आते हैं। सर्कुलर भी दोस्तों इसी तरह से होता है। सर्कुलर में आपको एक सर्कल दे देगा वो, इस सर्कल को वो टेबल भी बोल सकता है, इसको सर्कल भी बोल सकता है, मतलब जो उसकी शेप होगी वो सर्कुलर होगी। एक सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से कर सकते हैं आप, या तो इनसाइड फेस होगा सबका, इस स्टेटमेंट में बोलेगा इनसाइड। ठीक है, या आपसे बोलेगा आउटसाइड, या आपसे बोल देगा सम पीपल आर फेसिंग इनसाइड एंड सम पीपल आर फेसिंग आउटसाइड, यानी कुछ लोग तो बाहर फेस करके खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने अंदर फेस किया हुआ है। तो ये इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपके लिए समझनी जरूरी है कि जब आपका आप सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, आप अपने आप को रख के देखिए, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। जब आप
सर्कल में बैठे हुए हैं और आपका फेस आउटसाइड सर्कल है, तो आपका ये राइट होगा या लेफ्ट होगा? अगर मैं सर्कल के बाहर की तरफ फेस करके खड़ा हूँ या बैठा हूँ तो मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा? अगर मैं सर्कल के अंदर की तरफ फेस करके बैठा हूँ तो मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा? ठीक है, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, सर्कल मान लीजिए अंदर बैठा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा? ठीक है, समझ में आती है बात? वहीं पे कन्फ्यूज़न इनमें भी होता है, कन्फ्यूज़न जो कि होना नहीं चाहिए। अगर दोनों में बैठा हुआ है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, यहाँ पे ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, यहाँ पे ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, यहाँ पे ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस करने हैं और हमारे क्वेश्चंस इजीली होते चले जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो थर्ड टाइप है हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर, इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या आते हैं। आइए दोस्तों, कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं जिनका मतलब अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चंस करने में आपको आसानी बहुत आराम से होगी। देखिए, स्टेटमेंट वन कहता है आपसे कि ए इज बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अब उसने आपसे कहा, ये सर्कल के लिए भी, सर्कल के लिए ज़्यादातर फॉलो होते हैं। ठीक है, आप सर्कल के लिए इसको समझ के चलिएगा, सर्कल में भी काम आएगा, रेक्टेंगल में भी काम आएगा। रो में इतना ज़्यादा काम ये नहीं आता है, क्योंकि रो में अरेंजमेंट हमारा थोड़ा दूसरे तरह से हो जाता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सर्कल में भी काम आएगा और ये जब आप रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे उनमें भी आएगा। रो वाले क्वेश्चन कम आते हैं, सर्कल और रेक्टेंगल वाले ज़्यादा आते हैं। अगर आपसे उसने कहा है कि ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो इसमें दोस्तों ए को तो हमने यहां बिठा दिया। अब पॉसिबिलिटीज पे हमेशा दो बनेंगी जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, समझ के चलेगा इसको दोस्तों। अगर मैं बी को यहां बैठाऊं और सी को यहां बैठाऊं तो भी हमारा ए बी और सी के बीच में आएगा। अगर मैं सी को यहां बैठाऊं और बी को यहां बैठाऊं तो भी हमारा ए बी और सी के बीच में आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी वन है और ये पॉसिबिलिटी टू है। इस वाले स्टेटमेंट की हमेशा दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ए सेंटर की तरफ फेस कर रहा है और उसके लेफ्ट में सी बैठा है। क्वेश्चंस में आपको कराएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन कहता है ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये स्टेटमेंट टू है दोस्तों। ये आपका सर्कल है, क्वेश्चन कहता है आपको ए Who is third to the left of B? ये जो who use हुआ है ना दोस्तों, ये A के लिए हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि A जो कि third तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है B के लेफ्ट में, यानी कि अगर मैं इसको B मान लूँ तो इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पे A बैठा हुआ है। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने तीन छोड़ के A को बिठाया है। उसने कहा है तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है, थर्ड यानी तीसरे नंबर पे वो बैठा हुआ है, तीन पोजिशन छोड़ के नहीं बैठा हुआ है, ऐसा उसने नहीं कहा। ठीक है, नेक्स्ट इसी को देख लीजिए, ए हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। इसी पोजीशन को लेते हुए अगर मैं एक बी यहां बैठाऊं उसको, तो कहता है कि थर्ड में राइट में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड पोजीशन पे ए बैठा हुआ है, तीन पोजीशन छोड़ के नहीं, तीन पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ये जो हु यूज होता है ना दोस्तों, हु और एंड, ये दो वर्ड यूज होते हैं बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट में। जब आपका किसी ऑब्जेक्ट के बाद हु आए तो उसके बारे में बात हो रही है, और जब एंड के बारे में बात हो रही है तो उससे पहले वाले के बाद में बात हो रही है। जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको तब आपको चीज़ें और समझ में आएगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलिए कि B इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अगर ये मेरा सर्कल है और ये मेरा A बैठा हुआ है तो B इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट, यानी तुरंत B उसके और उसके बीच में कोई और है नहीं, उसके जस्ट बराबर में B बैठा हुआ है। ठीक है, फिर कहता है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। ये जो हु यूज हुआ है कॉमा लगा के स्टेटमेंट के बाद, ये A के लिए यूज हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा C बैठा हुआ, C के लेफ्ट में A बैठा है, ऐसा इसने कहा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आता है B, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आता है B who is sitting to the immediate left of A। ये देखिए दोस्तों, B who is sitting to the immediate left of A।
एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी. ठीक है दोस्तों, पहले वाले पार्ट में जब उसने कहा हु कॉमा लगा के उसने हु बोल दिया, तो इसका मतलब है बात ए की हो रही है जो नियरेस्ट है उसके. लेकिन जब वो बात करता है बी की तो वो एंड लगाएगा, मतलब पहले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है. देखिए दोस्तों, ए पहले उसने बोला बी स्टेटमेंट में, फिर ए, फिर सी. जब वो हु का इस्तेमाल करेगा तो वो बात कर रहा है इसके बारे में. जब वो एंड के बारे में बात करेगा तो मतलब बात कर रहा है वो पहले ऑब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, तो स्टेटमेंट कहता है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी. एंड किसके लिए यूज हुआ? बी के लिए यूज हुआ, टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी. सी के राइट में बी बैठा हुआ है. नोट कर लीजिए दोस्तों. ओके, एक और स्टेटमेंट है आपके लिए. स्टेटमेंट कहता है कि बी एंड सी आर एडजेसेंट ऑफ ए. दोस्तों ये जो ए इज बिटवीन बी एंड सी है, एक तरह से उसी का दूसरी लैंग्वेज में उसने बोल दिया. ये कहता है एडजेसेंट है, यानी कि ए एडजेसेंट बैठा है बी और सी के. ठीक है, ए बी एंड सी आर एडजेसेंट ऑफ ए. अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ और यहाँ मैं ए बनाऊँ, तो इसके कहने का मतलब हुआ कि बी और सी इसके बराबर में बैठे हुए हैं. अब एक साथ दो बंदे तो बराबर में बैठेंगे नहीं, एक बंदा यहाँ बैठेगा एक बंदा यहाँ बैठेगा. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बी बिठाऊँ और सी बिठाऊँ तो भी स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर यहाँ पे ए बैठा है और यहाँ मैं दो बंदे बिठाना चाहता हूँ तो सी यहाँ बैठ सकता है और बी यहाँ बैठ सकता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो दोस्तों इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, पॉसिबिलिटी वन और पॉसिबिलिटी टू. पॉसिबिलिटी वन में बी और सी इस पोजिशन में है, पॉसिबिलिटी टू में बी और सी इस पोजिशन में है. ठीक है दोस्तों, ये छह टाइप के स्टेटमेंट्स हैं. ये स्टेटमेंट्स आपके काम आएंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे. तो अब एक और छोटा सा स्टेटमेंट है, अगर ऐसा कहीं लिखा है कि ए एंड बी आर सिटिंग फारदेस्ट, इसका कहने का मतलब हुआ कि ए और बी जो बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा दूरी पे बैठे हुए हैं. अब मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर ये मेरा सर्कल है, ठीक है, अब इसमें आठ लोग बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनाऊँगा. ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे सर्कल में दस लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये चार हुए, छः, आठ, नौ और दस. ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे में बारह हुए, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस और दो बारह. ठीक है, अगर फारदेस्ट हो गया था कि ए एंड बी आर सिटिंग फारदेस्ट, तो मतलब है कि वो ओपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं. ये आठ के केस में ए यहाँ बैठेगा बी यहाँ बैठेगा, या बी ए यहाँ बैठेगा बी यहाँ बैठेगा. इस केस में भी ओपोजिट बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा बी यहाँ बैठेगा, ओपोजिट. यानी कि फारदेस्ट में वो ओपोजिट डायरेक्शन में बैठता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे बैठ जाएगा, ओपोजिट डायरेक्शन में बैठेगा वो. ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए यहाँ बैठेगा बी यहाँ बैठेगा, ओपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा दूरी हो सकती है वो उतनी ज़्यादा दूरी पर बैठे हुए हैं. नोट कर लीजिए दोस्तों. ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ थ्योरी थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनके बेसिस पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी. बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि जितने टाइप के आप करते रहेंगे या जितने भी क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतनी ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, आपकी स्पीड बनती रहेगी, एक्यूरेसी बनती रहेगी. कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस क्वेश्चन को बताने का तरीका बदल जाता है. कई बार क्वेश्चन हमारा पॉइंट्स में आ जाता है, कई बार लंबे पैराग्राफ में आ जाता है, हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में काम करना होता है. दोस्तों इस वाले चैप्टर के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी कराने की कोशिश करूंगा, अगर करा पाया तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे, देखते हैं, मैं आपको कराता रहूँगा क्वेश्चन. फिलहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का. क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. यानी कि ए बी, पहले सबसे पहले काम आपका क्या है, आप पहले ये देखिए कि कितने लोग बैठाने हैं आपको. इसमें बोला है ए बी सी डी ई एफ जी, सात लोग बैठाने हैं आपको. रो की बात हो रही है तो इस तरह से होगा, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात. देखिए दोस्तों, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए. अगर आपको कोई और तरीका समझ में आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बाकी इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, पजल नहीं होंगे आप. ठीक है, और बार बार सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को पढ़ना एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के बराबर होता है, तो हमें कोडिंग फॉर्मेट में उसको लिख लेना चाहिए,
जिससे कि हम बार बार क्वेश्चन ना पढ़ें, स्लाइड करके देखना पड़ता है, आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उसमें भी बड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप एक बार उसे कोडिंग फॉर्मेट में लिख लीजिए और फिर उसी कोडिंग फॉर्मेट को आप इंप्लीमेंट कीजिए, तो आपका आंसर भी सही आएगा और एक्यूरेसी के साथ आएगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन आ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी कि सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये कि हमारी ये प्रॉब्लम तो दूर हुई कि कुछ नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं, कुछ साउथ की तरफ बैठे हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं है। कराऊंगा मैं क्वेश्चन ऐसा भी आपको, लेकिन फिलहाल हमारा सिंपल क्वेश्चन है। अब कोडिंग देखिए किस तरह से आप कोड बनाएंगे। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, पहला कोड आपका हो गया एफ इज टू द इमीडिएट राइट। एफ अगर यहां बैठा है तो वो बैठा हुआ है इमीडिएट राइट में ई के। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, पहला कोड। ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। अब देखिए दोस्तों, यहां फोर्थ की बात हो रही है, तो मतलब राइट जी के राइट में बैठा है, जी यहां बैठा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे ई बैठा हुआ है हमारा। देखिए दोस्तों, यहां ये गलती मत कीजिएगा कि आपने चार स्पेस छोड़ दिए तब आप ई लिख रहे हैं। उसने कहा है कि फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे ई बैठा हुआ है। फिर कहता है कि सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी। अब ये बी और डी हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। ये चीज आपको समझ में आएगी क्योंकि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि सी और डी और बी, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट द वन एंड। तो इसने डी की पोजीशन हमें फिक्स कर दी है कि डी जो है वो जो मतलब डी के लेफ्ट में बैठा हुआ है तीसरा बंदा, जो डी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड में बैठा हुआ है बंदा, वो एंड पे बैठा हुआ है। ये चीज उसने क्लियर कर दी है। चार पॉइंट उसने दिए हुए थे, चार पॉइंट हमने कोडिंग फॉर्मेट में लिख लिए हैं। दोस्तों इस तरह से लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो और जो आप तरीके इंप्लीमेंट करेंगे उन तरीकों से आप पजल भी हो सकते हैं और क्वेश्चन आपका उलझ भी सकता है। इससे आपका क्वेश्चन नहीं उलझेगा, ठीक है। अब इसको इस पर कैसे आप ढालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये देखिए इसके सबसे एक्यूरेट आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक एंड जो लेफ्ट एंड है उससे थर्ड पोजिशन पर बैठा हुआ है डी, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर यहाँ पर आप बिठा दीजिए डी को, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद वो आपसे कहता है कि डी की हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि डी सी और बी इनका कनेक्शन भी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं डी सी और बी को बैठाऊंगा, डी सी और बी को बैठाऊंगा, यहां तीन पोजीशन फिक्स करता हूं, तो इनकी पोजीशन मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ई के राइट में फिर एफ भी बैठा हुआ है इन दोनों को कंबाइन करते हुए। तो अगर मैं डी को, डी मेरा बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, डी के राइट साइड में अगर मैं बैठाता हूँ ना दोस्तों इसको, तो सात पोजीशन है और पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पोजीशन इन्होंने ले रखी है, तो मैं इसको सेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा गलत हो गया, वहाँ पे बैठेगा ही नहीं, इसके इधर ही बैठेंगे, तो सी और बी, ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो पोजीशन बनती है वो जी मुझे यहाँ बिठाना होगा, फिर एक दो तीन छोड़ के ई यहाँ बैठेगा और एफ यहाँ बैठेगा। अब ये मैंने कैसे किया दोस्तों कि अगर और कोई पोजीशन मेरी मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है कि मैं जहाँ जी सेट करूँ और उसके राइट साइड में, क्योंकि जी के राइट साइड की बात हो रही है ना यहाँ पे दोस्तों, जी के राइट साइड की बात हो रही है, तो अगर मैं जी को यहाँ भी सेट करता या यहाँ सेट करता तो उसके राइट साइड में स्पेस ही नहीं है, मेरे पास स्पेस यहाँ पे है, तो जी को मैं यहाँ सेट करूँगा, फिर ई और एफ यहाँ सेट करूँगा। आपकी छः पोजीशंस बढ़ गई हैं, एक पोजीशन जो आपकी बची है वो क्या बचा है, आपका ए बचा है दोस्तों। इस तरह से आपका लीनियर अरेंजमेंट सेट हो जाएगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने होंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन इसमें आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, जैसे कि आप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है यहाँ पे कि बी की पोजीशन बताइए विद रेस्पेक्ट टू ई, ठीक है, और ऑप्शन में आपको दे देगा कि सेकंड टू द लेफ्ट है, थर्ड टू द लेफ्ट है, सेकंड टू द राइट है या थर्ड टू द राइट है। कोई भी ऑप्शन दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, एक बार आपका अरेंजमेंट सेट हो गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब जैसे मैं यही कहूं कि ई के रेस्पेक्ट में बी कहां बैठा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर बैठा हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है, सबने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है,
तो लेफ्ट साइड की होगी, यानी थर्ड टू द लेफ्ट बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सके आपसे। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और क्वेश्चंस उसमें करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सर्कुलर का एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमने करा लीनियर बेस्ड में आपको भी और क्वेश्चंस भी कराऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट हमारा बनता जाएगा या हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने अभी आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, वही अप्रोच हम आज सर्कुलर अरेंजमेंट में भी करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग कितने हैं, यहाँ पे दो दो चार दो छः दो आठ लोग हैं। ठीक है, आठ लोगों के लिए जो आपका सर्कल का फॉर्मेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है दोस्तों, और सब ने सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं और कुछ लोग सेंटर के बाहर भी फेस करते हैं, और एक ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सिंगल नहीं होते, ये तीन चार एट्रीब्यूट्स को दे देता है। ये बैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बात करता हूँ मैं सेंट्रल एग्जाम्स की या गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उनमें आज भी सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछ सकता है। तो अगर ज़्यादा उसे अच्छे लेवल का पेपर बनाना होगा तो वो आपसे दो एट्रीब्यूट्स पूछ लेगा, जैसे कि आपको रिलेशन भी दे देगा वो। अगर ए बी सी की बात वो कर रहा है तो ए डॉक्टर बी इंजीनियर, इस तरह से आपको कुछ भी वो दे सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे, फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, वही सेम फॉर्मेट कोडिंग का, पहला कोडिंग हमारा आ गया पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ये एम है, एम का ये लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पी बैठा हुआ है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ये जो एंड यूज हुआ है, मैंने अभी बताया था आपको स्टेटमेंट्स में, जो एंड यूज हुआ है ये पी के लिए उसने यूज किया है, पी सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के फर्स्ट या सेकेंड, ये जो सेकेंड पोजिशन हमारी है इस पोजिशन पे एन बैठा हुआ है। आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, और फिर कहता है हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। अब ये जो हु यूज हुआ है ये W के लिए यूज किया उसने, W M के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, या मैं इसको यहां पे एक्सटेंड भी कर सकता था, बैठा हुआ है। ठीक है, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, यानी कि F के बराबर में P नहीं बैठेगा। यहां हमारा स्टेटमेंट पूरा हो गया, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों। ये सबसे लंबा स्टेटमेंट है हमारा और सबसे एक्यूरेट भी है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे आप। यहां से आप टी से शुरू किए, एक छोड़ के पी, एक छोड़ के एन, बराबर में एम और एक छोड़ के डब्ल्यू, ये हो गया दोस्तों। अब डब्ल्यू का एक छोड़ के आर है, एक छोड़ के आर है। ठीक है, एम और डब्ल्यू हम ले चुके हैं, लगभग सारी पोजिशन भर गई है, बस हमें यह पता है कि पी के बराबर में एफ नहीं आएगा। पी के बराबर में एक पोजिशन खाली है, एक पोजिशन यहां खाली है, पी के बराबर में नहीं आएगा तो एफ यहां पे आएगा। ठीक है दोस्तों, बचा क्या, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच बचा, एच को यहां बिठा दीजिए दोस्तों। ये आपका अरेंजमेंट हो गया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रब कर दूं। अब ये मैंने रब कर दिया, अब अरेंजमेंट हमारे पास है, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन वन, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं दोस्तों, अरेंजमेंट मुश्किल होता है लगाना, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि पी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ऑप्शन आपका ए एच, एच बैठा है, ये ऑप्शन है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, अब एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एन बैठा है, एन का इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस, ई। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि मैंने डेटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं लिखा,
ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा आप डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में वो देता है इस तरह से। डेटा इनएडिक्वेट में आप तब ऑप्शन मार्क करते हो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन अधूरी होती है। उसका मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी नहीं आई। अगर इन्फॉर्मेशन और होती है आपके पास तो आप उस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आपके पास पूरी है, अरेंजमेंट तो आपके पास पूरा है, आपको पता है कि एच के राइट में एन बैठा हुआ है, इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से कोई इसका आंसर नहीं होगा। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में बैठा है पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर टी बैठा हुआ है दोस्तों, टी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज थर्ड टू राइट ऑफ एच। एच के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, थर्ड पोजीशन, तीन छोड़ के नहीं, थर्ड पोजीशन, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एफ बैठा हुआ है। एफ ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, डी ऑप्शन है हमारा। फिर क्वेश्चन कहता है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है दोस्तों, टी बैठा हुआ है, टी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा टी। फिर क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन आप समझिएगा। आते हैं क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, कभी कभी अच्छा क्वेश्चन भी वो पूछता है, और ज्यादातर ये एसएससी वगैरह में या क्लरिकल लेवल पे ज्यादा पूछता है। पीओ में इससे एडवांस लेवल के आते हैं, जो बैंकिंग का पीओ होता है वो भी मैं कराऊंगा आपको, फिलहाल इसको देखिए। अब उसने ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन क्या है, एन एच और एम, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पी एच और एन, फिर टी आर पी, फिर टी डब्ल्यू एफ, और फिर नन ऑफ दिस। और क्वेश्चन कहता है कि ऐसा ऑप्शंस में दिए गए क्वेश्चंस के अनुसार पहला पर्सन, पहले पर्सन ये है सिटिंग इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी कि अरेंजमेंट के अनुसार देखें तो हमारा पहला पर्सन इन सेकेंड और थर्ड पर्सन के बीच में बैठा हो, ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है। पहले पे देखते हैं, N को आना चाहिए H और M के बीच में, H ये रहा, M ये रहा, N है, बिल्कुल सही, हमारा तो पहला ही ऑप्शन लग गया। फिर भी मैं आपको बाकी दिखा देता हूँ टेस्ट करके, कि जैसा अप्रोच आपको पता चल जाए। P होना चाहिए H और N के बीच में, H और N के बीच में P है, कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। कई बार हमारा फोर्थ ऑप्शन भी होता है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मतलब क्या है इसका, T को होना चाहिए R और P के बीच में, R और P के बीच में कोई है, नहीं है। T को होना चाहिए W और F के बीच में, W और F के बीच में कोई है, नहीं है। नन, हमें ऑप्शन मिल चुका है, आंसर मिल चुका है, नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा A, N, H, M, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लॉक के क्वेश्चंस की, जो क्लॉक का थर्ड पार्ट था उसमें जो मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर वन कहता है दोस्तों, अ वॉच गेन 10 सेकंड्स इन 30 मिनट्स एंड वॉज सेट एट राइट एट वॉज सेट राइट एट 6 AM, यानी कि सुबह 6 बजे उसको सही सेट कर दिया गया, और अगले दिन व्हाट टाइम विल इट शो एट 12 PM ऑन द नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे 12 PM पे वो क्या समय शो करेगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम समय निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, टाइम ड्यूरेशन कितना है। अब 6 AM से 6 PM की बात करूंगा मैं, 12 घंटे हो गए। अब 6 PM से 12 PM की बात करूंगा मैं, 6 घंटे हो गए, टोटल हो गए 18 घंटे, ठीक। फिर वो कहता है कि 10 सेकंड वो गेन कर रहा है 30 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में कितना करेगा दोस्तों, 20 सेकंड, यानी कि एक घंटे में वो 20 सेकंड कर रहा है, तो 18 घंटे में कितना करेगा, 18 × 20, 360 सेकंड। ये सेकंड है दोस्तों, मुझे मिनट में चाहिए, तो 360/60, 6, यानी कि 6 मिनट। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आप इस स्टेप से बचना चाहते हैं तो, कि 18 × 20, ये तो आ गया टोटल सेकंड, अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका मिनट, ये गया 3 और ये गया 6, यहाँ पे भी आपका आंसर सेम आएगा, 6 मिनट्स, 6 मिनट आ गए। अब गेन का क्वेश्चन है तो प्लस करेंगे,
तो 12:06 वो शो करेगा, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अ वॉच लूजेस, यहां पे लूज का उसने क्वेश्चन बनाया है, अ वॉच लूजेस 30 सेकेंड्स इन 2 आवर्स एंड वॉज सेट राइट एट 5 AM। 5 AM को उसको सेट राइट किया गया। व्हाट टाइम विल इट शो एट 12 PM ऑन द डे नेक्स्ट टू टुमारो, यानी कि कल के बाद अगला दिन, परसों की बात कर रहा है। तो समय देखिए पहले, 5 AM टू 5 AM ऑफ टुमारो, ये करंट डे है, ये टुमारो है, ये आएगा आपका 24 घंटे, ठीक है। अब 5 AM के बाद सीधे वो 2 PM की बात कर रहा है, 2 PM, तो 5 से 12 तक आपके हो गए 7 घंटे, और 2 PM की बात कर रहा है तो +2 यानी कि 9 घंटे, 24 और 9 को जोड़ेंगे आप, आएगा 33 घंटे। तो 33 घंटे की बात कर रहा है बेसिकली। अब क्वेश्चन कहता है कि 30 सेकेंड्स वो गेन कर रहा है 2 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना करेगा, 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहूं 33 घंटों में कितना करेगा, तो 33 × 15, अगर मैं निकालना चाहूं मिनट में, ये सेकेंड्स में था, तो डिवाइड बाय 60, यहां से आप काटेंगे आएगा 4, और यहां से आप इसे काटेंगे तो आएगा 8.25, ठीक है, 8.25 आएगा। अब दोस्तों बात कर रहा है वो लूज करने की, यानी कि घड़ी रफ्तार अपनी छोड़ रही है, पीछे रह रही है, तो इसको आप माइनस करेंगे। समय हमें कब का दिया हुआ है, 2 PM, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 o'clock। अब मुझे 2 o'clock में से माइनस करना है, तो मैं इसको 1:60 लिख सकता हूं, यानी कि पूरा 2 बजेंगे, 1:60 सेकेंड्स में भी है, सेकेंड का भी, तो ये आएगा आपका सेकेंड का 0। इसको माइनस कर दीजिए, 8:25, 5, 3, 9 में से 8 गया 1, 5, 1, ये आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, समझ में आया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, अ वॉच गेन्स 2 सेकेंड्स इन 20 मिनट्स एंड वॉज सेट राइट एट 9 AM ऑन संडे। अब इसने मेरे दिन दिया है संडे को 9 AM, व्हाट टाइम विल इट शो एट 11 AM ऑन सैटरडे, हमें निकालना है सैटरडे को 11 AM पे, ठीक है दोस्तों। अब यहां बात हो गई दिनों की, देखिए 7 दिन से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक नहीं आया है, बाकी आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन आपको पैटर्न अगर पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो चाहे वो आपसे कितने दिन का क्वेश्चन पूछ ले आप निकाल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, अब संडे टू मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। संडे से मंडे तक कितने घंटे, 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे तक 24, ट्यूसडे से वेडनेसडे तक 24, वेडनेसडे से थर्सडे तक 24, थर्सडे से फ्राइडे तक 24, ये 5 हो गए दोस्तों, इसका मतलब 120 घंटे तो यही हो गए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का तरीका बता रहा हूँ कि समय के अनुसार, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्राइडे से सैटरडे भी 24 है, क्योंकि 9 AM की बात हो रही है, 9 AM के बाद 11 AM आएगा। मैं चाहता तो इसको भी सीधे ऐड कर लेता 6 बार, लेकिन आसान रहता है, तो यहां से मैं 24 ऐड करूंगा तो आएगा 144 आवर्स, ठीक है। अब 9 AM हम सैटरडे पे पहुंच गए, उसके बाद 9 से 11 का समय कितना होगा, 2 घंटों का, तो ये हो गया टोटल 146 घंटे, ये तो निकल गया हमारा समय। अब वो कहता है कि 2 सेकंड 20 मिनट में, 2 सेकंड 20 मिनट में, तो 60 मिनट में कितने, 6 सेकंड, तो 146 × 6, ये तो आ गया हमारा सेकंड्स, अब डिवाइड बाय 60, मिनट आ गया 10, जाएगा 140
14.6. अब गेन कर रही है ना, तो 11, देखिए गेन करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्लस करना है, लेकिन जब आप माइनस करते हैं तो आपको पीछे की वैल्यू कैरी ना लेनी पड़े, इसलिए मैंने आपको एक घंटे पहले का कॉन्सेप्ट बताया। जिन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं दोस्तों, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा क्लॉक के पार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं वो क्वेश्चन किस तरह से कर रहा हूँ। इसमें आप ऐड कर दीजिए 14.60, तो 06 14 11, दिस विल बी योर आंसर, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है अ वॉच लूजेस 4 सेकेंड्स इन 20 मिनट्स एंड वॉज सेट राइट एट 9 AM। बस पहले वाला एक क्वेश्चन है आपको, बस उसने पहले ऐड कराया था, अब लूज करा दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे कितने घंटे आए थे, 146 आवर्स आए थे ना। यहाँ टाइम थोड़ा चेंज है, टाइम के हिसाब से कहता है कि 4 सेकेंड्स वो लूज कर रहा है 20 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में कितना लूज करेगा, 12 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब 146 × 12, ये तो आ गया हमारा सेकेंड्स, कितने सेकेंड उसने लूज करे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप 60 से। मैं इसको पूरा 5 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं इसको 2 करूँगा और इसको मैं 10 करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि 10 से मुझे डिवाइड करने में आसानी रहेगी। ये मैथ जब आप करते हैं तो अब आपको समझ में आता होगा एप्टीट्यूड में। 6 × 12, 4 × 8 और 1 9, 2 × 2 = 10, तो ये आएगा 29.2। अब क्वेश्चन ने आपको लूज कराया, मतलब क्वेश्चन कहता है कि उसने घड़ी ने घड़ी पीछे हो गई है। कितने समय की बात हुई थी, 11 बजे की, तो 11 बजे को मैं 10:60 लिख सकता हूँ। ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकेंड्स है, 29.20, ये आएगा आपका 60 कैरी करेंगे तो 49.05:30 और ये आएगा 9। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होप दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बारीकी से बताए हैं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको और आसान तरीके से इस चीज़ को समझा सकूं। दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं ये उन लोगों के लिए बना रहे हैं बेसिकली, जो लोग किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस हो, चाहे वो उनकी जॉब टाइमिंग्स की कंडीशंस हो, उस वजह से अपना तैयारी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों आप शेयर करेंगे तो स्प्रेड होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिए, मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। हमारे चैनल ह्यूमनिस्ट क्लासेस मेरठ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। हम वीडियोज़ अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू।